उज्जैन में फूड एंड सेफ्टी विभाग ने रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर छापेमार कार्रवाई की, जहां स्टोर में खराब सब्जी और फल मिलने पर इनके विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया। दरअसल फूड एंड सेफ्टी विभाग की टीम ने एक ग्राहक की शिकायत पर निकास चौराहा स्थित रिलायंस स्मार्ट पॉइंट पर छापा मारा है। इस दौरान अब जब अधिकारियों ने जांच की तो यहां से आम और कई प्रकार की सब्जियां खराब मिली। इस पर टीम ने फल और सब्जियों के अलावा अन्य खाद्य सामग्रियों के सैंपल लिए हैं, जिन्हें जाँच के लिए प्रयोगशाला भेजा जाएगा। वही खाद्य अधिकारी बसंत दत्त शर्मा ने कहा कि स्टोर में फल और सब्जियां खराब मिली है, जिसके चलते स्टोर में फल और सब्जी बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया। बिल्कुल, आज मेरे मोबाइल पे एक कस्टमर द्वारा एक शिकायत की गई थी कि रविंद्र शर्मा करके कस्टमर थे, उन्होंने शिकायत की गई कि मैं रिलायंस फ्रेश पर सब्जी खरीदने आया हूँ और यहाँ पे काफ़ी मतलब जो ख़राब हुई चुकी सभी सब्जियाँ हैं और वो बिक्री के लिए रखी हुई हैं। तो मैं अपनी टीम को लेकर तत्काल आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे जो आलू हैं उनमें कुछ फंगस लगी हुई है और बिल्कुल एकदम डिटेरिएट हो चुके हैं और अंकुरित भी हो चुके हैं। कुछ आम भी इस तरह के हैं, लीची भी बिल्कुल काली पड़ चुकी है और अदरक भी बिल्कुल काफ़ी एकदम ख़राब जैसी कंडीशन में है और वो चीज़ें मुझे यहाँ रखी पाएगी। तो मैंने इनके तत्काल से सैंपल कलेक्ट कर लिए हैं और तत्काल प्रभाव से इनका अभी सब्जी बिकवाना है, इनका बंद करवा रहा हूँ। वो क्या क्या सैंपल भरे हैं यहाँ पे? इसके अलावा हमने और इनकी जो सब जो सैंपल भरे हैं, हमने इनका एप्पल भी ले लिया है, इनका जो सेब फल है, लीची ले ली है, अदरक ले लिया है, आलू ले लिया है, टमाटर ले लिए हैं, है ना, पीली शिमला मिर्च ले ली है, ये सारी सब्जियां हमने ले ली हैं। इसके अलावा इन्होंने हमने कुछ सीरियल प्रोडक्ट भी इनके ले लिए हैं, जिसमें हरा मूंग है, चावल है ना, मिक्स दाल है, ये भी हमने इनके कलेक्ट कर लिए हैं। बिल्कुल, लैब की रिपोर्ट आने के बाद हम इस पर जो नियमानुसार कार्रवाई करेंगे। और सब्जियां तो इसकी इस स्थिति में है कि वो विक्रय योग्य नहीं है, तो हम तत्काल प्रभाव से इनको अभी बिकना बंद करवा रहे हैं।